से समझ नहीं आ रहा। इसे यही होना चाहिए, हमें खोदते रहना होगा। सुनो, वो यहाँ नहीं है, किसी ने निकाल लिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता, हम यहाँ पहले आए हैं। अरे यार, 70 साल बीत चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ यार, सुन ना बी। अब हम क्या करें? पता नहीं। एक और चलेगी? अब मैं चीफ नहीं रहा। कब से? मुझे बस ऐसा लग रहा है। कल मुझे कितने मर्द मिलने वाले हैं? 5। वो भरोसे के लायक है? तुम अब तक मुझे नहीं समझ पाई। यही तो प्रॉब्लम है सैंचेस, तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। बस एक शर्त है, मैं भी जाऊंगा। राइट। तो सुनो, कल दोपहर में हमें तुम घाट पे मिलो, लेट मत होना। और मेरे बियर का क्या हुआ? मुझ पे उधार रही। तुम्हें एक बोरिंग क्लर्क होना चाहिए था, तारा है ना? वो शानदार स्वागत की उम्मीद करते हैं। तुम बाहर काफी रही हो। वास्तव में मैंने अपने परिवार के साथ बहुत बार कैंपिंग की है। ये तुम्हारी मॉम और डैड के साथ कोई कैंपिंग ट्रिप नहीं होने वाला। मुझे फॉलो करो और अच्छी तरह से खुदाई करो, समझी? समझ गई, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। बताएंगी रस्सी कितने की है? तुम्हारे लिए 1000 रुपए। क्या 1000 रुपया? पिछली बार तो तुमने इससे कम में दिया था। इस साल कीमत बढ़ गई है, मुझे परिवार पालना है। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। रुको, चलो 750 दे दो। 750 अभी भी ज्यादा है। चलो अब छोड़ो, 350 ही दे दो। 350? हाँ ठीक है, दे दो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या चल रहा है वैसे? यहाँ हो तुम। मैंने देखा तुमने कुछ सामान खरीदा। हे, अच्छी रस्सी है, थोड़ी महंगी है, $200, पर एकदम बढ़िया है, मुझे ये खरीद लेनी चाहिए थी। I'm sorry ladies, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। और मुझे भी। चलो बच्चों, चलो चलते हैं। हाँ, हमें कुछ खुदाई भी करनी है। ठीक है। Yeah.
या। बोलो क्या कर रहे हैं? वो अभी तक तैयारी कर रहे हैं। तुम तो तैयार हो ना। ये लो। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। चलो। तुम्हें इस जगह के बारे में उसे नहीं बताना चाहिए था। उसकी शक्ल देखने लायक थी। सच कहूँ मुझे बहुत मजा आया। मुझे पता है, बस मैं गुस्से में थी और उसे बुरा फील कराना चाहती थी। ओके, हमें उन्हें काम नहीं समझाना चाहिए। ब्रैड ज्यादातर स्मार्ट लोगों के साथ ही रहता है। सॉरी ब्रो, मुझे बस ये बताओ कि खोदना कहाँ है। मैं खोद देता हूँ। मुझे नहीं पता, तुम मुझे एक्स बताओ और मैं तुम्हें बताऊंगी कि जमीन के नीचे क्या है और हम वहाँ कैसे जा सकते। अपने पास जो मैप है उसमें एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कल यहाँ के लोकल लोगों के साथ मेरी एक मीटिंग है, शायद उनसे कोई जानकारी मिल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो काम हमें कल शुरू करना है और ये भी नहीं पता है कि खुदाई कहाँ करनी है। जरा सोचो, उस लड़की ने तुमसे झूठ बोला हो तो। नहीं, वो नहीं बोलेगी। झूठ बोलने वालों का अंजाम वो अच्छी तरह से जानती है। तुम बहुत ही बेवकूफ हो मेरे दोस्त। भाड़ में जाओ एस्टन। तुम जा कहाँ रहे हो? अपने ऑफिस में। मेरा ऑफिस बंद हो चुका है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कैरियाना को बोल देना। मुझे अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। उम्मीद है तुम कैरियंस के पैसों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होगे अपने ऑफिस के खर्चे चलाने के लिए। तुम जानते हो अगर क्रॉफ्ट बहनों को इस बारे में पता चला तो। जैसा कि तुम देख रहे हो, मुझे अभी काफी काम करना है और मुझे उस पे ध्यान भी देना है। मुझे तुम दोनों को डिनर पे ले जाना चाहिए। बड़े साल हो गए तुम लोग को भाग गए। तुम जब मिली थी तो मेरी फैमिली की तरह थी। मैं इतनी डेस्परेट लग रही थी। तुम बहुत भूखी लग रही थी। सड़कों पे इतने लंबे समय तक भूखे बच्चे जिंदा नहीं रह पाते। तुम्हें पता है ना, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो जिससे हम आगे बढ़ सके। मुझे नई जिंदगी स्टार्ट करनी है। रुको, तुम्हें लगता है तुम्हें खोदने और गंदे होने के अलावा कोई और चीज पसंद आएगी? तुम्हारी बहन ये जानती है। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, एक परिवार शुरू करना चाहती हूँ, उन सारे बड़े अच्छे होटलों में जाना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में सब कुछ करना चाहती हूँ मैं। हाय चिकनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इग्नोर करो, पी रखी है इसने। तुम जाओ यहाँ से। मुझे एक बार और हाथ लगाना। रुको, तुम सब शांत हो जाओ। हम दोनों लड़ाई नहीं चाहते हैं, पर तुम सब अपनी हरकतें बंद करो, समझ गए? हाँ, क्या तुम लोगों को समझ आया कि तुम्हें हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए? हा? क्या सच में? मैं इन लोगों का ध्यान रखती हूँ, तुम जाके पुलिस को बुला। पुलिस? इनके लिए हम ही काफी हैं। राइट, ठीक है,
हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ये बचने का तुम्हारा आखिरी मौका है। हमारा स्टॉप आ गया। हे, तुम्हें चोट लगी क्या? नहीं, और तुम्हें? ना। मुझे तुम्हारा आदमी मिल गया। कैसी हो तुम? हाय। अब हम लोग चलें? चलो चलते हैं। मुझे लगता है कि मुझे इस बार कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम अच्छी बनो, समझ गई तुम? कोई भी नहीं हिलेगा। तुम सब अपने हाथ ऊपर करो। हाँ? अपने पैसे यहाँ टेबल पर रख दो, वरना इन बच्चों के साथ तुम सब लोगों को भी काट डालूंगी। पैसे? बस इतने ही पैसे हैं? ये बिल्कुल कम है। तुम सब लोग जहाँ हो वहीं पर बैठे रहो। तुम इतनी जल्दी आ गए? मुझे अब तक बस यही मिला है। मुझे लगा तुमने कहा था कि मेरे पास यही है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन करो। ये चलो 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 ये चलो। रुक गया मैं। ये भी निकाल दिया। आ जाओ। तुमने उन्हें डरा दिया। मैं तो बस उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा तुम्हारे ताई ची मूव्स बहुत कमाल के होंगे। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी भाग जाती। तुम्हारी दोस्त वो चली गई और वो आइलैंड की पूर्व की तरफ गई है। हमने ये सब यहाँ दबाया है, ये बात किसी को मत बताना। अगर ये बात किसी को भी पता चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ मेरा है। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें इन लोगों को इसी वक्त मारना होगा। तुम लोगों को शायद सुन के बुरा लगे, लेकिन अब तुम्हें भी मरना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा राज जाने। तुम्हें उसने कोई लैंडमार्क बताया था क्या जो उसके आसपास होगा? बाहर आओ। शायद वो मैप पर उस जगह को दिखा सके। उसको समझ नहीं आएगा कि उसके साथ क्या शायद करे। वो तुम्हें पसंद नहीं करती। थैंक यू।
हर साल इस आदमी के साथ यही होता है। ऐसा है जैसे वो हर बार लालची और लालची हो रहा है। इस साल उसे क्या उम्मीद है? पिछली बार से ज्यादा। Oops, I'm sorry. Good morning. मेरे ख्याल से साल का वो दिन फिर आ गया है। जानते हो, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हेलो, आप कैसे हैं सेंटोर? अच्छा हूँ। और आप लोग? इस साल आपको और कितने परमिट मिले हैं? मुझे तुम पसंद हो। मुद्दे की बात करें? मुझे ये बताओ सेंटोर, ये तुम्हारा एरिया है, क्या तुम्हें यहाँ ओवरटाइम के पैसे मिलते हैं या कोरियन फीस? माइकल, माइकल, ये हम आखिरी बार कर रहे हैं। बहुत खूब, पर ऐसा क्यों? तुमने हार मान ली क्या? नहीं, हमें इस बार मिल जाएगा जरूर। हे गाइस, हमें जगह मिल गई। अब हम बात कर रहे हैं, मुझे दिखाओ। जब मैंने मैप निकाला तो उसने वही जगह दिखाई। इतना सटीक? बहुत पास। अगर वहाँ पर बहुत सारा मेटल जमा होगा तो मेरे उपकरण उसे ढूंढ ही लेंगे। पूरी टीम इकट्ठी करो, हमें नाव पकड़नी है। और परमिट का क्या? मुझे पता है कि कैरियाना को पता चलेगा कि हमने ढूंढ लिया तो वो लेट फीस दे देगी। तुम तैयार हो? क्या तुम्हें सब मिल गया? मुझे फावड़ा मिल गया, जगह भी देख ली, मैं खुदाई के लिए तैयार हूँ। तुम अपने हिस्से का क्या करने वाले हो एस्टन? ओह, एस्टन मार्टिन बेबी। बेवकूफ। तुम इस जगह से बाहर निकलो। शायद मैं साउथ फ्रांस में एक वाइन यार्ड खरीदूंगी। टिपिकल। वो ये नहीं कर पाएगी। जलन हो रही है। मजाक मत करो, मुझे उस पर भरोसा नहीं है और ना ही पीटर पर। उस बूढ़ी औरत ने जो जगह हमें दिखाई थी वो मेरे हिस्टोरिकल डेटा में फिट हो सकती है। 70 साल के बाद वो जगह तुम्हारे मैप से भी गायब हो जाएगी। नए पेड़, नए रास्ते, इतने सालों तक मिट्टी का कटाव, इस काम के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। मेरे पास पेशेंस है पर टाइम नहीं है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, चलो चलते हैं। क्या मैं तुम्हारी बैग उठाने में मदद करूँ? नहीं, ठीक है, मैं कर लूंगी। हमारे बैग्स पकड़ने के लिए तो नहीं पूछा। पीटर, हमें ग्रेड ए की नाव दो। और कितनी देर लगेगी? बस थोड़ी देर और। मैं इस सड़ी नाव से ज्यादा तेज चल सकता हूँ। तो क्या तुम्हें पता है कि जापानी लोग हर जगह फिलीपींस को इस्तेमाल करते हैं? तुम अपना काम जानती हो, पर हनी हमारे काम के बारे में। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। किसकी मदद? तुम्हारी और ब्रैड की। हनी, तुम्हारा चेक कौन साइन करता है? थैंक यू। So, Imperial Japanese Army के लिए तुम्हारी दीवानगी इम्प्रेसिव है।
लेकिन तुम्हें सोने के बारे में कुछ भी नहीं पता। जापानीज लोग, जापानियों ने पूरे एशिया भर से सोना चुराया और उसे अलग अलग जगह गाड़ दिया। इसलिए मैं यहाँ हूँ ताकि मैं इस जगह के बारे में और अच्छे से बता सकूं। जैसा मैंने कहा, तुम्हें शायद पिछली कुछ बातें पता हो, पर हम जो कर रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं। तुम हम में से नहीं हो। दोबारा क्यों कर रहे हैं? ये भगवान से उनके आशीर्वाद और अच्छे भाग्य के लिए कर रहे हैं। क्या तुम सबने पिछली बार भी देखा था? हाँ, हम सारे ग्राउंड्स कवर कर रहे हैं। ये सब देख के मुझे भूख लग रही है यार। हो तुम? मैंने ड्रम्स की आवाज सुनी। किसकी नकल कर रही हो? किसी की नहीं। झूठी मक्कार कहीं की। मुझे सिर्फ कुछ खाने के लिए चाहिए था। I'm sorry, मैं थोड़ी परेशान हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ खाना देती हूँ। ये आवाज कैसी है? हमें बस चलते रहना होगा। क्या तुम्हें भी यह सुनाई दे रहा है? ड्रम्स जैसा ही कुछ। इसी की वजह से हमारी चाल धीमी हो गई है। मुझे पता है वो क्या कर रहा है। मैडम, लगता है उसे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। इसीलिए टेरा वहाँ है, मेरी जमा पूंजी की सुरक्षा के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना स्वार्थी हो जाएगा, इसीलिए तो मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ ताकि तुमसे समझाओ। वो एक घमंडी बेवकूफ है। तुम्हें अभी क्या दिख रहा है? मेंढक, मकड़ियाँ, अब और मच्छर, उसके आस पास ही रहो। उस लड़की के अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? उसके अंदर जुनून है। सोने का? सोने की इतनी चिंता नहीं है इसे, बस किसी आदमी से हारना पसंद नहीं। ओह शिट, उसे जितना चाहिए था खुदाई कर ली। चलो, क्या देख रहे हो, मेहनत तो करो। रिया, तुम उन्हें डरा रही हो। हाँ, क्योंकि इन्होंने मेरी जैसी औरत कभी नहीं देखी होगी। तुम्हारे जैसी औरत को पहले किसी ने नहीं देखा। स्टिल टू, स्टिल वन।
Still two, still one. तुम हो मैं तो मार देती। मैंने तो इसे टाल दिया होता। ओह हाँ, बिग डैडी को ऐसा ही पसंद है। तुम पूरी जिंदगी कहाँ थे? मैं हजारों रुपयों को जमीन में उगते हुए देख रहा था। इसने मुझे दीवाना बना दिया है। मैंने क्रॉफ्ट सिस्टर का कैंप स्थापित किया, उन्होंने तो शुरू कर दिया है, और तुमने? उसने तो अभी शुरुआत की है, जंगल में खो गई होगी नौसिखिया। वहां पर क्या तुम सूंघ सकते हो? मुझे चिपचिप और गर्मी के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। ठीक है, हम लोग। मैं अब और नहीं रुक सकती। 400 स्क्वायर फुट वो क्या है? चलो 400 स्क्वायर फुट पर हम निशान लगा देते हैं। ठीक है, काम शुरू करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन मेरा इकलौता टीम मेंबर है। अच्छा, मैं बेवकूफ हूं जो मैं ये भूल गई। बस ये मत भूलना कि तुम किस टीम की हो। टीम टू को उनकी एक्स कॉपी मिल गई। स्टिल वन हियर। टीम टू को शायद कुछ मिला है, कॉपी। उसे कॉपी करो। हड्डियां, हे, मुझे हड्डियां दिखी। ये तो इंसान की लग रही है। यूनिफॉर्म्स? नहीं, बस हड्डियां हैं। ये एक अच्छा साइन है, खुदाई करते रहो। रायली, यहाँ पर 100 से ज्यादा कब्रें हैं। डैड को कुछ मिला होगा? डैड को कभी कुछ नहीं मिला, और मैं कहती हूँ खुदाई करो। क्या तुमने 100 कहा? क्या हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए? नहीं, ये हमारा काम नहीं है। ये इस जगह की कब्रगाह है। पास हमेशा कुछ ज्यादा रहता है। सुनो जॉन, क्या तुमने कभी सोचा है ये सब मिलने के बाद हम इसका क्या करेंगे? तुमसे पहले सोचा था। मैनलैंड पे मुझे एक आदमी मिला था। मुझे बस एक ही चिंता है, इसके वजन से कहीं जहाज ना डूब जाए। खुशी हुई तुम्हारा प्लान सुनकर। बिग डैडी के पास हमेशा एक प्लान होता है। तुम एक साहसी लड़की हो जो खुद ही सब कुछ संभाल रही हो। मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझ गए? उन्हें हड्डियाँ मिल गई हैं। मुझे लगता है वो जल्द ही आराम करेंगे। सच में, उन्होंने पूरी रात खुदाई की है। बहुत बढ़िया,
मेरे साथ हमेशा आलसियों का ग्रुप रहता है। तुम्हें जानकारी मिल गई ना, अब पैसे दो। हाँ डील तो डील है। डील तो 600 की हुई थी और तुम मुझे सिर्फ 300 दे रहे हो। सुनो, 300 तुम्हारे पूरे महीने की चॉकलेट के लिए काफी है, छोटी बदमाश। अब तुम अपने मम्मा के पास जाओ। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? मेरा अपना तरीका है। क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ये अच्छा है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? कहीं ना कहीं तुम अंदर से वही हो जिसे मैं जानता हूँ। देखो, अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो वो मेरे पास नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अभी ठीक काम कर रहा हूँ। काम की बात करो, मेरा वक्त बहुत कीमती है। कहीं ना कहीं सब मुझे यही क्यों कह रहे हैं? मैं जा रही हूँ। रुको रुको, तुम्हें बैग पैक करके घर जाना चाहिए, हमें मिल गया है। ये मुमकिन नहीं। हमें बोन्स, इंपीरियल यूनिफॉर्म्स और जापानीज इंसिग्रेंस मिल गए हैं। ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे बस तुम्हारा एहसान लौटाना है। तुम जानती हो मेरी नाक कुत्तों जैसी है, इसका सामना करो और घर जाओ। अपना कीमती वक्त और मत बर्बाद करो। क्या वो इसके लिए गिरी? तुम्हारे प्लान ने उसे डुबाया नहीं। वो अभी करीब नहीं पहुंचे। कैरियन उसे सबसे अच्छा समझती है। शायद तुम उसे परेशान नहीं कर रहे होगे। कैरियन और परेशान? कभी नहीं। वो बहुत मजबूत और पत्थर दिल की है। उसके बहुत करीब हैं। किस चीज के करीब? तुम्हारी ये बेवकूफी भरी बातें कहीं तुम्हें स्टीम से निकाल ना दे। मुझे छूने की कोशिश तो करो। औरतें भी मुझसे यही कहती हैं, तुम मेरे जैसे बिल्कुल नहीं हो। ये झूठ बोल रहा है। हो सकता है या नहीं भी हो सकता। रायली, डैड ने इस आइलैंड के कई जगहों पे सालों तक खुदाई की पर उन्हें कुछ नहीं मिला। हमारे पास बेहतर चीजें हैं। हमने खुदाई की सभी दूसरी जगहों को हटा दिया है। एलिमिनेशन की प्रक्रिया तुम्हें याद है ना? वो अभी अपने पहले साल में है रायली, पहले साल में, और वो झूठा है। लेकिन क्यों? वो भला मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? शायद वो तुम्हें अभी भी पसंद करता है। तुम कहाँ जा रही हो? कुछ पता लगाने। माइकल चलो चलते हैं। Come on। खबर? जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं कॉल करूंगा। तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? मैं कुछ भी नहीं ढूंढ रहा। तुम टेरा को कंट्रोल कर रहे हो? सॉरी, तुम्हारी आवाज कट रही है। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? पीटर, ये क्या कर रहे हो तुम? कैरियन ने तुमसे कांटेक्ट किया? नहीं, क्यों? इस चीज को ढूंढने के लिए? उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि हम इसे इतने जल्दी ढूंढ लेंगे। मैं बताऊंगा उसे, ढूंढने में हमें अभी और वक्त लगेगा जिससे वो शांत रहे। लोग इसे कई दशकों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसे नहीं ढूंढ पाए, इसके पीछे एक वजह है। तुम्हारी तरह मैं भी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं वापस लौट सकूं
अपने बीबी बच्चों के पास। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली भी है। मैं बस हर किसी के लिए अच्छा बनना चाहता हूँ। क्या तुम चाहते हो मैं उसे कॉल करूँ? कोई जरूरत नहीं। पीटर, तुमसे गलत तरह से पेश है, इसके लिए मुझे माफ करना। मैं शायद इसी के लायक हूँ। जानती हो ये लोग कौन है? मुझे बताओ इस समय वो लोग कहां पर हैं? सुनो, अरे रुको, कम ऑन, वापस आ जाओ, जल्दी करो, चलो। मुझे नहीं पता कि हम कहां हैं। तुम इस जगह को मुझसे बेहतर जानती हो। उस तरफ चलते हैं। रुको 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 रुको, इधर। तुमने कुछ सुना? नहीं, लेकिन मुझे उसकी स्मेल आ रही है। मैं उन्हें खरगोश की तरह काट डालूंगा, और वो भी धीरे धीरे। कोई हिला नहीं तुम। चलो हम उस तरफ चलते हैं। हमें उन्हें ढूंढना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। चलो यहां से जल्दी निकलते हैं। मुझे सांपों से नफरत है। पता है मेरे पापा क्या कहा करते थे? नहीं मैम। अगर तुम कोई सही काम करना चाहते हो तो तुम्हें वो खुद करना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं मैम। गाड़ी निकालो, हम अभी के अभी जंगल जाएंगे। क्या वो पक्का वही था? हाँ बिल्कुल वही था, पर उसके पास सोना नहीं था। उसके पास एक परिधि थी और एक लड़की भी। लड़की तो फिर वही होगा, वो हर जगह। बस करो माइकल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 लड़कियां होंगी, मैं तो बस। रायली, तुम इससे बेहतर हो। मेरा उस छोटे से कोई लेना देना नहीं है। बढ़िया, चलो उनके सारे परमिट्स देखते हैं। कॉल किसे करना जानती हो? सेनेटर रायली, रायली क्रॉस। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, वहां पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या तुम लोग बिना गन के ये कर पाओगे? पता है मैं यहां क्यों आया हूं? एक लक्ष्य, मुझे समझाने दो। मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम एक अमेरिकन हो जो ये सोचता है कि यहां सब फ्री है। नहीं, तुम्हें इसके लिए पैसे देने होंगे। जानते हो, इस देश में बिना परमिट के खुदाई करना गैर कानूनी है। तुम बहुत बेवकूफ हो। शहर के इस हिस्से में मेरा राज चलता है, और पता है ये मेरे पैसे हैं। बात पैसों की नहीं है, हम जब चाहे परमिट का पैसा दे सकते हैं। सब कुछ हमारे बॉस। यहाँ का बॉस मैं हूँ, और तुम बेवकूफ लड़के, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उसके बाद दिन खत्म। और मैं वादा करता हूँ कि तुम यहाँ से आसानी से जा नहीं पाओगे। समझ गए ना? यह तुम्हारा स्वागत है।
टावर। क्या स्ट्रैंड्रूस? देखते हैं, पर वो वापस क्यों आए? काम के लिए? पैसे के लिए? नहीं, तुम बहुत कम पैसे दे रही हो। जितने दे रही उतने ठीक हैं। अभी तक हमें अच्छे पैसे मिल रहे थे। मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, पर हम साथ में हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं मिला फिर भी यहाँ पर हो। पता है क्या, ये उनका नुकसान है। इस चीज को तो ढूंढ के रहेंगे। मेरी बात सुनो, स्टिल वन है। थर्ड पार्टी आ चुकी है। थर्ड पार्टी? वो कौन है? वो मुझे कैसे पता होगा? एक औरत है, अमीर लग रही है। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। और कितनी दूर है? फिलिप्स के सभी लोगों में से एक मैं हूँ जो गाइड की तरह यहाँ भटक रही हूँ। तुम इस भयंकर जंगल में मुझे लूट रही हो? चुप रहो, मुझे सब दे दो। आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी? ठीक है, मैं खुद तुम्हें मार कर इसे ले लूंगी। अगर मैं चाहूँ तो तुम जैसे सुअरों का शिकार अभी के अभी हो जाएगा। चलो अब चलते हैं, तुमने पहले ही मेरा टाइम बर्बाद किया है। तुम इस लूट को नहीं रोक सकती। क्या कभी किसी को जंगल में किसी ने लूटा है? क्या हो रहा है इस दुनिया को? क्या किसी के पास थोड़ी भी इज्जत नहीं बची है? जो भी है निकालो, तुम्हारा हार और ये झुमके। तुम इसके लिए बहुत पछताओगी। कुछ दिखा यार? हाँ? तो फिर इंतजार किसका? ये रैली कहाँ चली गई? शायद ये खाली है, उसे दूसरी बार निराश होने से बचा सकते हैं। क्रोबार। हाँ। ये लो। ये क्या? आपको रैली को बुलाई लेना चाहिए। क्या ये सच है? हमने कर लिया। मुझे पता था। पता नहीं और कितना होगा। जितना हम ले जा सकते हैं उससे बहुत ज्यादा। अब हम सब अमीर हो गए। धीरे बोलो, हमें और साथी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे? जैसा हमने तय किया था, इससे बाहर निकालते हैं, अलग हो जाते हैं और डॉक पे मिलते हैं। देखो, मैं इस हॉल को ढकने जा रहा हूँ और इस जगह को साफ करने जा रहा हूँ। हाँ। तुम मेरे साथ चलो। माइकल, तुम इस खतरे को कम करने के लिए साउथ डॉक का इस्तेमाल करो। ओके। और फिर अपनी जिंदगी। ये सामान बहुत भारी है। मुझे पता है तुम थक गई हो, अगर रुकना चाहती हो तो मुझे बता देना। सुनो, तुम थक गई हो, ये लो। हाँ?
मुझे वो बैग्स दो। ठीक है, देते हैं तुमको बैग। आराम से। एक मिनट, ये लो। ठीक है, ठीक है ना, ये लो, खोलो उसे। और कुछ भी चाहिए क्या? बहुत हो गया, अब अपना बैग बदलो, हटो यहां से, मेरी बच्ची को वापस करो। ओ सांप ने काटा, मुझे सांप ने काट लिया। किस तरह का सांप था? पता नहीं। ठीक है, हमारे पास एंटीडोट है। सांस लो, सांस लो। क्या तुम्हारे पास एंटीवेनम है ना? हाँ हाँ, वो वहीं पे होगी। नहीं, वहाँ पर नहीं है। क्या? मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। सुनो, तुम्हें पता है ना क्या करना है? नहीं, मुझे दवाई लाने जाना होगा। नहीं, मैं जल्दी वापस आऊंगी। सांस लेती रहो, मैं जल्द वापस आऊंगी। जल्दी आना। तुम ऐसे दूर नहीं जा सकते। अगर ऐसा बोलकर हर बार मुझे कोई एक डॉलर देता तो अब तक मैं बहुत अमीर बन चुका होता। जरा सब्र करो, चालाकी मत दिखाना। जल्दी करो बेबी, हमें नाव पकड़नी है। ठीक है जानू, अभी चलते हैं। तुम हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। हम जा रहे हैं। चलो बेबी। और कोई रास्ता नहीं है क्या? मुझे लगता है कि जिनके साथ मैं चलती हूँ उन सब की तरह तुम भी निकम्मे हो। ओह माय गॉड, जैकपॉट। जाओ ब्रैंडन और पीटर को ढूंढकर उन्हें डॉक पर लेकर आओ। जाओ जल्दी करो, अब तुम्हारी बारी है। हे सुनो, मैं उस बच्ची से फिर से मिलने जा रही हूँ और इस बार वो मुझे सच बताएगी। ठीक है, तुम उसके साथ जाओ और उसका ख्याल रखना। ठीक है। तो ये तुम्हें कहां से मिला? जो भी तुम्हें मिला है उससे कहीं ज्यादा यहां पर मौजूद है। तो इसी वजह से लोगों को इसकी फिक्र रहती है। ज्यादा लालच ठीक नहीं है। रख दो इसे। नहीं रखा तो तुम क्या करोगे? तो तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। पीटर रुको, सोने को बचाओ। अब तुम्हारे दाहिने हाथ का क्या करूं? ना रोको। बस बहुत हो गया, अब तुम दोनों इस नाव से नीचे उतरो। ये तुम क्या कर रहे हो पीटर? अब इसे कौन चलाएगा? मत करो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। उतर जाओ वरना मैं शूट कर दूंगा और ये बात दोबारा नहीं बोलूंगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं, इसके आगे मैं तुम्हें ले जाऊंगा। उतरो।
एक मिनट। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। सबसे पास की जमीन कितनी दूर है? अब कोई चांस नहीं है। हमसे धोखा हुआ है। हाँ। देखते हैं पहले किनारे कौन पहुंचता है। तुम्हें लगता है तुम पहुंचोगे? समझ में नहीं आ रहा इसे कैसे ठीक करूं। क्या कर रहे हो पीटर? ये पागलपन है, पागलपन। अपनी सांसें थाम लो, अगले दो मिनट में तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये नाव ठीक नहीं हो सकती। चलो नीचे चलते हैं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे तैरना नहीं आता। मुझे तैरना नहीं आता। वापस आओ, यहाँ वापस आओ। बचाओ। आखिर तुमने ऐसा किया कैसे? मेरे पास हमेशा चांस होता है। सही कहा मेरे दोस्त। मुझे मिल गया, मिल गया मुझे। अभी नहीं बच्चों। मुझे अभी तक अपने पैसे नहीं मिले। सोना इसके पास है। मेरी बात सुनो, हम बांट लेंगे, आपस में बांट लेंगे। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, बांट लेंगे। मुझे जो कुछ भी पता था मैंने सब बता दिया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। तारा अपना मैप निकालो और इनसे उस जगह के बारे में पूछो। प्लीज हमें फिर से दिखाओ। क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि ये उस जगह से मीलों दूर है जो तुमने हमें पिछली बार दिखाई थी। हाँ, आप हमें गुमराह क्यों कर रहे हैं? प्लीज अब जाओ यहाँ से। मुझे जो कुछ भी पता था मैं बता चुकी हूँ। सुनो, जब तक तुम हमें सच नहीं बताओगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जाओ यहाँ से। आप हमसे झूठ बोल रही हैं। माँ चलो, तुमसे कुछ काम है। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, जाओ। ओके बॉयज, चारों तरफ देखो। ये अच्छा नहीं हो रहा है। हे भगवान। डार्लिंग, तुमने मुझे फिर गलत जगह बताई। मैंने वो सब कुछ बताया जो तुम सुनना चाहते थे। तो तुम्हें लगता है मैं अपने आदमियों के साथ हर जगह खुदाई करता रहूं पूरी जिंदगी? तुम मुझसे क्या चाहते हो?
मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया जो और लोगों को मैंने बताया है। पिछले 70 सालों में कुछ भी नहीं बदला है। लूना, लूना। मेरे ख्याल से उनमें से एक के लिए आया था, पर तुम्हें पता है मैं यहाँ आया हूँ तो किसी को तो लेके जाऊंगा। प्लीज इसे छोड़ दो, इसे कुछ भी नहीं पता। तो वो कहाँ है? डार्लिंग, तुमने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। भागो यहाँ से। नहीं, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मार डाला? बेटा, वो भाग रही है। बॉयज, मार दो उन्हें। वो लड़कियां यहीं कहीं होंगी। बॉयज, पकड़ो उन्हें। कोई नहीं है, वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। चलो। वो दोनों पागल अमेरिकन लेडीज बचनी नहीं चाहिए। तारा, मेरी बात सुनो, हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं। क्या तुम ब्रैड को फोन नहीं कर सकती? हम इस वक्त फोन नहीं कर पाएंगे। लो, मैं इतिहासकार हूँ केली, मैं लोगों के सर पर घूसा नहीं मारती। मुझे पता है, लेकिन हमारे बचने का यही तरीका है। क्या हम केवल अपना मुंह खोलने से पहले तुम मर चुकी होगी। मैं उसके हाथ से बंदूक छीनने जा रही हूँ, और तुम समझ गई ना? तारा, अगर तुम बचना चाहती हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तैयार हो जाओ। सच में लेडीज, ये भगवान का घर है। कम ऑन, खुद को मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। हम शरीफ लोगों की तरह बैठकर बातें कर सकते हैं। किसे मिला वो? मैं आ रहा हूं। बॉयज, उन दोनों को छोड़ना मत। वो जिंदा नहीं, बचनी चाहिए। मार डालो उन्हें। सॉरी गॉड। तुम ठीक हो? सुनो, तुम्हारी जेब में कोई ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम यहां से बाहर जा सके? तुम्हें मैं आप कैसे समझाऊं? एक सेकेंड, जल्दी से मैं अपने जेब में देखता हूं। शिट। मुझे माफ करना,
मैंने उन लोगों को जाने दिया। मैं तो बस समय बचाने की कोशिश कर रहा था, पर हम एक बड़ी मुसीबत में हैं। हम केवल 4 दिन बिना पानी के रह सकते हैं, उसके बाद मौत पक्की है। ये जंगल खतरों से खाली नहीं है। ये देखो, अगर हम यहां से बाहर निकल पाए तो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिलहाल मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कुछ कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। एक बात और, तुम्हारे पिता के मरने से पहले मैंने उनसे इस बात की अनुमति ली थी कि हे, क्या तुम किसी को भी मार सकते हो? बाहर निकलने के बाद खरीद लेंगे, ये वाला हमारे नजदीक है। वो लोग मेरे 22 ले गए, वो ब्राजील का एंटिक पीस था, उनको भारी कीमत चुकानी होगी। पहले मेरे हाथ से ये हथकड़ियां तो खोलो। सोना? नहीं है, मैं अब बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी बहन अभी भी आइलैंड पर है। तुम लोग के हिसाब से गलती कहाँ हुई? वापस बेस कैंप। वो कहाँ है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जल्दी मैं तुम्हारी खुदाई की जगह ढूंढ लूंगा, मेरे पास वक्त है, लेकिन इस समय मुमकिन नहीं है। मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। मैं भी तुम पे भरोसा नहीं करता, पर तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, तुम्हारे बहन की सुरक्षा या सोना? यहाँ हो, आखिर तुम कहाँ गायब हो गए थे? सेनेटर मेंडोजा के सारे आदमी हमें ढूंढ रहे हैं। हमने जो देखा शायद हमें नहीं देखना चाहिए था। मुझे नहीं पता, मैं बस ये सोच रही हूँ क्या इतिहास खुद को दोहराता रहता है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? हिफाजत के लिए इसे रखो और जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें और ब्रैड को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, अभी हम यहाँ से नहीं निकले तो वो हमें कभी नहीं जाने देंगे। अब चलो। ठीक है। बहुत अच्छा, तुम दोनों को देख के अच्छा लगा, तुम दोनों फिर से एक हो गए। सेनेटर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं चेक करने आया था कि तुम लोग सेफ हो ना। हम सब ठीक हैं। अच्छा, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? उन्होंने मुझे धोखा दिया। लगता है जैसे यहाँ कुछ नहीं बदला है, लेकिन कम से कम तुम्हें ये लड़का तो मिल गया। क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं सेनेटो? हम टैक्स देने वाली जनता के पैसे बर्बाद नहीं कर सकते, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो। अच्छा अच्छा, अपने दिमाग पर जोर डालो। तुम्हें मुझे एक परमिट देना है। नहीं, हम जा रहे हैं। परमिट की कोई जरूरत नहीं है। इस आइलैंड पर कोई सोना नहीं है। वाह, जरा देखो तो कौन आया है। प्रिया कहाँ है? I'm sorry. बहुत खूब। अब तुम दोनों क्या करोगे? क्या तुम भी हार जाओगी? नहीं, हम अगले साल फिर आएंगे। ये तो सिर्फ वक्त की बात है, समझे तुम? नहीं, हम लोग जा रहे हैं। तुम लोगों को देखकर अच्छा लगा। ये मेरा फिलीपींस है। कम ऑन बॉयज। फिक्र मत करो, बिग डैडी के पास हमेशा प्लान होता है। इनफैक्ट मेरे पास एक स्पेशल प्लान है तुम्हें वापस जेल में भेजने के लिए। हेड्स अप।